subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Of course, I'm very, very, very excited. I don't know much about cricket, but it's nice to see your fellow co-workers or, you know, co-actors play cricket. बहुत मजा आता है देखने में. And of course, Balaji and Marinating Films are very close to my heart. So, मेरे लिए तो ये बहुत exciting है. मेरे सारे co-actors और सबको देखना cricket खेलते हुए. जी बिल्कुल, मेरा नया शो आ रहा है बेलन वाली बहू जल्द ही कलर्स पे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए. पहली बार कॉमेडी कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है, ये नया है, बहुत सब कुछ बहुत अलग है, बट मज़ा आ रहा है. बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हमारे साथ, बहुत अच्छी टीम है, और शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है. हमने काफ़ी प्रोमोज भी शूट किए, जल्द ही वो भी आएंगे. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द न्यू शो. आई थिंक यू नो थैंकफुली कि मैं काम कर रही हूँ इस साल तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा बिग बॉस को फॉलो करने में. लेकिन हाँ, मैंने कुछ एपिसोड्स फॉलो किए हैं, बट ज़्यादा नहीं, ऐसा रिलीजियसली नहीं फॉलो किए. उन्होंने क्या किया था? मैंने एक्चुअली देखा नहीं है ये एपिसोड, तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकती. लेकिन आई थिंक इट्स अ गेम, या लेट एवरीबडी प्ले द गेम. जिसको जैसा गेम पसंद आ रहा है वो वैसा खेल रहा है. वो बाहर आके सभी को पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. यू नो समटाइम्स पता नहीं होता कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना. सो आई रियली डोंट नो, मैंने ये एपिसोड्स देखे नहीं है. बट आई एम श्योर जो लोग हैं बाहर सोशल मीडिया पे, जो फैंस हैं वो बहुत सपोर्टिव है, और जो हेटर्स हैं वो बहुत ट्रोल करते हैं. एंड दैट्स जस्ट विद एवरीवन. आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपको भी ट्रोल करेंगे, और आप बहुत बुरे इंसान हो तो आपके भी फैंस हो सकते हैं. तो इट्स जस्ट हाउ इट गोज. विकास गुप्ता, हितेन इज आउट यार, बट आई रियली वॉन्टेड हितेन टू विन, फॉरगेट टॉप थ्री. विकास गुप्ता, शिल्पा शिंदे एंड अर्शी. फेक? इतने टाइम बाद कोई फेक नहीं कर सकता यार. इट्स बिन 80 डेज, आई एम गेसिंग इट्स बिन अराउंड 80 डेज यार. सो 80 दिनों के बाद कोई फेक नहीं कर सकता. जो जैसा है वो बिल्कुल वैसा दिख रहा है. तो अगर आपको लग रहा है कि वो फेक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वो इतने ही बुरे हैं और वो इतने ही अच्छे हैं. मैं सभी दर्शकों को वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगी. हैव अ ब्लास्ट गाइस, थैंक यू.